वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मेदू वड़ा, जिसे हम सांभर वड़ा भी बोलते हैं, वो रेसिपी में लेकर आई हूँ। और ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है, इसे हम चटनी के साथ और सांभर के साथ सर्व करते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बिना छिलके की उड़द की दाल ली है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे तक पानी डालकर भिगो दिया था। आप चाहे तो पूरी रात भी इसको भिगो सकते हैं। 3 से 4 घंटे हो गए, आप देख सकते हैं दाल फूलकर दुगुनी हो गई है। अब हमें इसका बारीक पेस्ट तैयार करना है, तो इसको हम एक ग्राइंडर में डालेंगे और इसको पीसेंगे हम। इसको अब मैं ग्राइंडर में डाल देती हूँ। ध्यान रहे कि पानी जो है बहुत कम इसमें हमें यूज में लेना है। इस तरह दाल को हम इसमें डाल देंगे, पानी हमें ज्यादा नहीं डालना है, हमें इसको गाढ़ी ही पीसनी है। यदि पीसने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम पहले पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट जो है हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह हमें गाढ़ा पेस्ट ही रखना है। इसको अब हम एक बाउल में खाली कर लेंगे। अब बैटर को हमें 2 से 3 मिनट तक लगातार फेंटना है, ताकि ये फ्लफी हो जाए और हल्का हो जाए। मेदू वड़ा बनाने के लिए सबसे जो मेन बात होती है, वो होता है मेदू वड़ा का बैटर। बैटर यदि ढंग से बन गया तो मेदू वड़ा भी हमारे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। इसलिए बैटर बनाते समय आप खास ध्यान रखें कि इसमें पानी जितना कम हो उतना ही यूज में लें। बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी नमक। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। 1 पिंच हम हींग लेंगे। 1 टीस्पून लेंगे हम ग्रीन सौंफ। हरी मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई 2। सभी को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेदू वड़ा बनाने के लिए इस तरह का मेकर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो बैटर हम इसमें फील करेंगे और बनाएंगे। इस तरह हमें बैटर को इसमें फील करना है। बैटर को मैंने इसमें फील कर दिया है, तो चलिए अब हम बनाते हैं। गैस पे मैंने पैन रखा है और इसमें मैंने तेल ऐड किया है। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल अच्छा गर्म हो गया है, तो चलिए अब हम निकालते हैं। इस तरह हमें प्रेशर लगाते हुए इनको निकालना है। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। जितने पैन में आए हमें उतने ही डालने हैं। और इनको हमें कम फ्लेम पे सेकना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको सेकना है। इनको हम एक बार पलट देंगे ताकि अच्छी तरह से सिक जाए। आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह हम दूसरा राउंड भी कर लेते हैं, पलट देंगे हम। अब ये सिक गए हैं तो निकाल लेंगे। सभी को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। सांभर वड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने इनको एक प्लेट में सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और गोल्डन ब्राउन हमारे सांभर वड़े बनकर तैयार हुए हैं। सांभर वड़े को हम सांभर और चटनी के साथ सर्व करते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप जरूर इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।